सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। वंदनीय भारत माता, ज्ञान दायिनी माँ सरस्वती और गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर बसे इस शहर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक प्राचीर से मैं सबसे पहले शहीद लाल पद्मधर जी को नमन करता हूं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं कंपनी गार्डन में शहीद चंद्रशेखर जी को नमन करता हूं और मैं नमन करता हूं अपने भाई मनीष सैनी को मैं नमन करता हूं और इस छात्र संघ के ऐतिहासिक मंच पर बैठे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त गुरुजनों का मैं पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेता हूं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ पे ऐतिहासिक प्राचीर पर छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों से चरण वंदन करते हुए मैं उनका आशीर्वाद लेता हूं और हमारे सामने जो ये खड़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो ये नौजवान है जो एक दिन हिंदुस्तान की दिशा और दशा तय करने का काम करेगा इस ऐतिहासिक प्राचीर से मैं उनको क्रांतिकारी सलाम करता हूं और सलाम करता हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर महिला छात्रावास के अंदर बैठी हम अपने महिलाओं और अपने बहनों का मैं इस ऐतिहासिक मंच से मैं उनको सलाम करता हूं। मैं बताना चाहता हूं दुनिया में जो तबाही लाए उसे नौजवान कहते हैं, उसे दुनिया में जो तूफान लाए उसे तबाही कहते हैं और जो तूफान को रोके उसे नौजवान कहते हैं मेरे भाइयों, आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हो चुका है और चुनाव में तमाम ऐसे प्रत्याशी आएंगे जो तमाम तरीके का खोखले वादे करने का काम करेंगे। उनके बीच में आपका भाई अवनीश कुमार यादव जो लगातार सन 2013 से आपकी समस्याओं को लड़ने के लिए चाहे जेल जाना पड़ा हो चाहे पुलिस की लाठियां खाना पड़ा हो कभी पीछे हटने का काम नहीं किया है। मेरे नौजवान साथियों, मैं कहना चाहता हूं शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम कुछ दलालों से कह दो अपनी औकात में रहे। मेरे नौजवान साथियों, छात्र संघ का चुनाव जहाँ एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही है, कौशल विकास की बात हो रही है, क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर लाइब्रेरियों में डिजिटल लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे नौजवान साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जो हमारी बहने हैं क्या उनकी सुरक्षा के लिए पुरुष गार्ड तैनात होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जो ऑफिसर हैं ये कौन सा इंसाफ है? महिला के सुरक्षा के लिए पुरुष सुरक्षा गार्ड और पुरुषों के सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा गार्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। महिला के सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा गार्ड होगा और पुरुष के सुरक्षा के लिए पुरुष सुरक्षा गार्ड होगा, अन्यथा हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो क्रांति किए हैं जो अलग जगाए हैं वो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जब नौजवानों के फीस वृद्धि का मामला हुआ, जब नौजवानों के ऊपर हॉस्टल वृद्धि का मामला हुआ, उस दौरान और लोग कहाँ थे? उस दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तथाकथित कुछ छात्र नेता उनके तलवे चाटने का काम कर रहे थे। उस दौरान उस दर्द को समझने का काम अगर किसी ने किया था तो आपके भाई ने किया था। मैं दावे के साथ कहता हूँ जब जेल जाने की बात आई थी तो सबसे अधिक जेल जाने का काम समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने किया था। मेरे नौजवान साथियों, आज छात्र संघ का चुनाव आ चुका है, रणबेड़ी बच चुकी है, आपको सोचना है आप कैसे प्रत्याशी को
जिताना चाहते हैं, जो आपके बीच में लगातार रहा हो, या ऐसे प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, जो ऐसे प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं कि अगर वो एसी से नीचे उतर जाए तो उसकी सांसें अटक जाती हैं। मेरे नौजवान साथियों, हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं, ये छात्र संघ का चुनाव आज जयप्रकाश नारायण जी का जन्म दिवस है, मैं उन जन्म दिवस पर उनको नमन करता हूं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब जयप्रकाश नारायण जी ने अपने आंदोलन को नौजवानों के बलबूते पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया था और वो आंदोलन इतना बड़ा हुआ था कि पूरे हिंदुस्तान की सरकार जी, आपका 2 मिनट प्रारंभ हो गया। मैं आज आप सबसे विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप सबसे वादा करता हूं कि आज मैं उनके जन्म दिवस पर शपथ लेकर कहता हूं कि अगर 15 अक्टूबर को आपका भाई शपथ लेता है तो इतना बड़ा आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर, प्रदेश के अंदर और विश्वविद्यालय के अंदर होगा कि यहाँ के जितने भी गड़बड़ टाइप के लोग हैं उनके नींदें खराब हो जाएंगी, उनको चैन से बैठने नहीं दूंगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर समस्याओं की बात करते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों के तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर अभी जो पुलिस हमारे छात्र भाइयों के ऊपर जो जागृति कर रही थी, मैं यहां से देख रहा था, मेरा खून खोल रहा था। मैं कहा कि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष आपका भाई अमित यादव होता है तो पुलिस की बैरिकेटिंग छात्र संघ भवन के बाहर होगी, अंदर उसको नहीं आने दिया जाएगा, उसको वहीं रोक दिया जाएगा। हमारे भाइयों के ऊपर पुलिस लाठियां बरसाएगी, उनको माकूल जवाब दिया जाएगा, यहाँ से उनको करारा जवाब दिया जाएगा, अंदर प्रवेश उनको वर्जित कर दिया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय केवल छात्रों का विश्वविद्यालय है, किसी की जागीर नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे खून का ये असर है जो हम सियासत कर रहे हैं, मेरे लहू का ये असर है जो हम रियासत कर रहे हैं। मेरे मालिक, मेरे निजाम, जरा होश तो संभालो। और ये निजाम और मालिक कौन है आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरे मालिक, मेरे निजाम, अब जरा होश तो संभालो। अब हम वादों के भरोसे नहीं रहे, अब हम बगावत की पहली आवाज इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ से निकलेगी और पूरे नींव को हिला कर रख देगी। अगर छात्रों के ऊपर कोई भी आवाज आएगा बढ़ने वाले नहीं है। 2 मिनट का अतिरिक्त समय समाप्त हो रहा है, जाता हूँ महोदय। पूरे 7 मिनट हो चुकी है, मेरी बात समाप्त हो चुकी है। आप सबसे एक चीज और करना चाहता हूँ, जो भी मेरे नौजवान मेरे साथी है मैं उन सबको यहाँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अगर अच्छा माहौल देना चाहते हैं तो दलालों और चाटुकारों से दूर रखिएगा, आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। अवनीश यादव अध्यक्ष पद के लिए, जय हिंद जय भारत।